साइक्लोन। ओके, अच्छा सवाल किया दिशा तुमने। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ये साइक्लोन कैसे बनता है और कहां से आता है, तो आज मैं उसी पे ही ये वीडियो पूरा होने वाला है कि ये साइक्लोन कैसे बनता है। ओके गाइस, तो इसके लिए मैं आपको पहले मैं बादलों के ऊपर ले जा रहा हूँ, तो पहले हम दोनों जाएंगे ऊपर, तो ऊपर से पहले बताएंगे एक्चुअल में ऊपर से कैसा दिखता है। ओके, तो फिर ओके दिशु, अब हम आ गए हैं साइक्लोन के ऊपर। ओके, तो ये रहा साइक्लोन। ओके, ये जो एक्चुअली साइक्लोन होता है वो बादलों का एक झुंड होता है, तो हवा उसके चारों ओर घूमती रहती है। ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ साइक्लोन, वो अभी जो विपर जो आया है गुजरात के अंदर, उसके ये इसी टाइप का ही साइक्लोन होता है जो पूरी हवा को गोल गोल घुमाता है। अब ये हवा गोल क्यों घूमती है उसका भी एक रीजन है। तो दिशा, ये हवा गोल गोल घूमने का भी एक कारण होता है कि जैसे समुद्र का तापमान 26.5 से लेके 27 मतलब 27 डिग्री तक का होता है, तो क्या होता है कि समंदर का पानी है वो बाष्प बन के ऊपर की ओर जाते हैं और जो हवा होती है उसकी गर्म हवा होके वो ऊपर की ओर जाती है। तो फिर क्या होता है, जो बीच में जो खाली जगह पड़ती है वहां पे ठंडी हवा एकदम से आती है, तो वो क्या होता है, वो खाली जगह आती है वहां पे ठंडी हवा और गर्म हवा ऊपर जाती है। उससे क्या होता है, एक फॉर्मेशन बनता है सर्कल टाइप का और वो फिर घूमती रहती है। ओके, तो ये जो घूमने का जो ये पूरा सिलसिला है वो तब तक चलता है जब तक ये पूरा साइक्लोन जमीन में लैंडफॉल ना हो जाए, मतलब जमीन पे ना आ जाए। जब तक ये समंदर में रहेगा ये इसकी ताकत बढ़ती ही जाएगी और ये चलता ही रहेगा। तो ये इसका टेक्निकल रीजन है, ये हवा की और ये गर्मी और इसकी वजह से ये साइक्लोन होता है। ओके, और डिटेल में आपको मैं ग्राफिक्स में दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ कि ये फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, तो फिर चलिए। हेलो गाइस, ये देखिए सर्कल के अंदर ये पूरी हवा दिखा सही, ये घूमती है पूरी, ये इस टाइप से मैंने ऊपर से मैं अंदर गया हूँ इसके अंदर एक, तो देख। ओके गाइस, तो आज उसका एक्चुअल जो फॉर्मेशन होता है वो मैं थोड़ा ग्राफिक्स के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये देखिए ये समंदर है और ये जो टेम्परेचर उसका 26.5 से लेकर 27 डिग्री होता है, तो वो उसकी जो बास बन के हवा बन के ऊपर की ओर जाती है और जो ठंडी हवा है वो अंदर की ओर आती है, तो उस फॉर्मेशन की वजह से ये पूरा सर्कल होता है। ये पूरा ग्राफिक्स यहाँ पे दिखा हो गया है, देखिए आपको पता चले इसलिए। ओके, तो उसकी वजह से वो फॉर्मेशन की वजह से ये पूरा सर्कल रेडी होता है। ओके ओके, और ज्यादा डिटेल में मैं आपको ले जा रहा हूँ जो अभी अभी जो विपर जॉय करके जो साइक्लोन आया उसका ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं कि वो एक्चुअल में कहाँ से बना और कहाँ तक गया, वो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड windy.com करके है, वहां से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो फिर चलते हैं मैप के अंदर। ओके, चलो ये आ गए हम मैप के अंदर। ये देखिए ये पूरा, ये देखो ये साइक्लोन यहाँ से ये बना है पूरा, और वो अभी वो साइकिल घूमती 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 ओके जाएगी। ये पूरी साइकिल है, दिख रहे ना गाइस? ओके, ये जो साइकिल है पूरी घूमती घूमती आगे जाएगी। अब एक्चुअल में वो होता क्या है कि वो हवा ऐसे अंदर गोल गोल घूमती है और आगे भी बढ़ती है, तो वो जैसे जैसे उसकी दिशा कुछ फिक्स नहीं होती, कभी फिक्स होता है, मतलब उसका डायरेक्शन कभी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन ओके गाइस, तो ये देखिए ये सर्कल पूरा जा रहा है अभी गुजरात से, देखो धीरे 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 ये नजदीक जा रहा है। ये गाइस ओके, फिर ये जो कच्छ और जखाऊ है, वहां कच्छ का जो जखाऊ बंदर है वहां पे वो लैंडफॉल हो रहा है, ये देखिए, और उसके बाद वो आगे जाएगा, आगे जा रहा है पूरा राजस्थान की ओर। ओके, तो ये रहा ये windy.com में ये थोड़ा अनुमान लगाया जाता है कि वो क्या कहाँ जा रहा है। ओके ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि ये साइक्लोन कैसे बनता है। ओके
ओके गाइस, तो ये है पूरी, ये जो साइक्लोन होता है वो पूरी इसकी कहानी और वो कैसे बनता है। ओके दिशा आइए। हाँ समझ में आ गया पापा। समझ में आ गया। ओके तो भाई आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए अपने चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए अलविला अहमदाबादी भाई, वीडियो शेयर कीजिए और अपने ग्रुप अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी ये वीडियो भेजिए। ओके चलो फिर मिलते हैं और नए वीडियो में। ओके।